महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप लगाते हुए विपक्षी गठबंधन अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले की घोषणा मंगलवार को एनसीपी शरद पवार के नेता प्रशांत जगताप ने की, और वहीं जगताप पुणे की हड़पसर सीट से विधानसभा चुनाव हार गए थे। विपक्षी गठबंधन 13 दिसंबर को ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगा और ये फैसला मंगलवार को विपक्षी नेताओं के बीच इस बैठक के बाद लिया गया। बता दें कि ये मीटिंग एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर हुई थी। इसमें आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल और जाने माने वकील और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी भी शामिल हुए। बता दें कि पिछले महीने हुए चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन में 288 सीटों में से 235 सीटें जीती, जबकि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 46 सीटें ही मिली। चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह बताया कि यहां पर यानी कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम वोटों से वीवीपैट पर्चियों के मिलान में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। आयोग ने ये जानकारी दी कि 23 नवंबर को काउंटिंग के दिन हर विधानसभा क्षेत्र में 4 बूथों के वीवीपैट पर्चियों की गिनती की और इस पर भाजपा की प्रक्रिया भी सामने आई है। को कुचलने वाली सबसे पहले आज सुबह से जो हम खबर देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया है और कुछ घटक दलों ने यह तय किया है, खास करके हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों के बाद, कि विधानसभा के इन चुनावी नतीजों को लेकर इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम की प्रणाली को वो सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार सुप्रीम कोर्ट ईवीएम को लेकर जाती है और बार बार पटखनी खा के आती है। हर बार जब भी उसने इलेक्शन कमीशन को कोसा है, जब भी इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में खींचने की कोशिश की है, वहीं अगर फजीहत किसी की हुई है तो वो कांग्रेस पार्टी की हुई है। और एक बात गौर करने की है, 23 नवंबर को जब महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव की गिनती हुए थे, उसके पश्चात इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम सबने देखा। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 288 विधानसभाओं में 1440 वीवीपैट यूनिट, अर्थात हर विधानसभा में जो नियम कहता है कि 5 वीवीपैट यूनिट के वीवीपैट्स और गिनती में मिलान होना चाहिए, वो मिलान किया गया है और वो 100% एक्यूरेट और परफेक्ट निकला है।